इस क्लास में बात करते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। तो इससे पहले हमने बात किया था सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में, वो क्या था कि अगर हमारा रिलेशन कोई किसी एक सेट के अंदर डिफाइंड है और उस रिलेशन के अंदर अगर हमारे पास ए कॉमा बी पेयर आ रहा है तो बी कॉमा ए पेयर भी आएगा, तो ऐसे रिलेशन क्या कहलाते थे? सिमेट्रिक रिलेशन कहलाते थे। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा? प्रोसेस तो सही, मतलब जो भी यहाँ पे हमने किया वही यहाँ पे भी करना पड़ेगा, सिमेट्रिक में जो किया वही एंटी सिमेट्रिक में भी करना पड़ेगा, कि हमको क्या ए कॉमा बी और बी कॉमा ए के पेयर बनाने पड़ेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंडीशन लग जाएगी, ठीक है? तो पहले आप इसके लिए भी लिख सकते हो कि मान लेते हैं लेट कोई भी एक रिलेशन आर है जो किसी एक सेट ए के अंदर डिफाइंड है। सेट ए के अंदर डिफाइंड है मतलब क्या? उसका डोमेन और रेंज दोनों सेट ए के अंदर से ही आने वाला है। कहने का मतलब जो आपका रिलेशन होने वाला है वो ए क्रॉस ए का सबसेट होने वाला है, ठीक है? तो ऐसे सिचुएशन में अगर हमारे पास ए कॉमा बी क्या करता है, आर रिलेशन को डिफाइन करता है, और क्या बी कॉमा ए भी क्या करता है, आर रिलेशन को डिफाइन करता है, बिलोंग्स टू आर, देन जो आपका ए होना चाहिए वो बी के बराबर होना चाहिए, ठीक है? अगर हमारे पास ए कॉमा बी भी आर के अंदर आता है, बी कॉमा ए भी आर के अंदर आता है, तो जो ए है बी के बराबर होना चाहिए। अगर ये तीनों सिचुएशन लग जाए तो ऐसे रिलेशन क्या कहलाते हैं? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहलाते हैं, ठीक है? जैसे बात करते हैं दो एग्जाम्पल के बारे में। जैसे हमारे पास ए सपोज कर लो कोई एक सेट ए है जिसके अंदर है 1, 2, 3, 4 है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, कोई एक रिलेशन बनाते हैं जो इस तरह से होगा कि वो ये और ये रिलेशन, ये कंडीशन क्या करे, फॉलो करे, ठीक है? तो देखो हम मान लेते हैं हमारे पास कोई भी एक रिलेशन आर है जो इस तरह से डिफाइंड है 1, 1। और देखो यार अगर हमारे पास 1, 1 है, ठीक है, तो हमको अगर ये ए है और ये बी है, ठीक है, अगर हमको क्या बी कॉमा ए पेयर बनाना है तो क्या करेंगे, इसको मिरर के आगे रखेंगे। मिरर के आगे रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इसका इमेज मिलेगा। तो अब क्या मिलेगा हमको, 1 और 1 मिलने वाला है। लेकिन इस सिचुएशन में ये क्या होगा, ये बी बनेगा, ये ए बनेगा, अभी भी ये 1, 1 ही कहलाएगा। ए कॉमा बी लिखोगे और बी कॉमा ए भी लिखोगे, वो भी क्या दो बार हो जाएगा। अगर 1, 1 ये है और ये वाला पेयर लिखने के लिए आप 1, 1 करोगे तो इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि सेट के अंदर आप कर्ली ब्रैकेट लगाए हो, तो इसका मतलब उसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो सेट के एलिमेंट कहलाएंगे, और सेट के एलिमेंट अगर रिपीट हो रहे हैं तो वो एक ही बार लिखे जाते हैं, ठीक है? इसलिए क्या करते हैं, अब इसको हटा देते हैं। तो देखो ये ए कॉमा बी रिलेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, बी कॉमा ए को भी, और ए का वैल्यू बी के बराबर भी है, ठीक है? और क्या कर सकते हैं, ऐसे ही आप 2, 2 का बना सकते हो, 3, 3 का बना सकते हो, और क्या 4, 4 का भी बना सकते हो, ठीक है? तो ये जो रिलेशन हमने बनाया है जिससे 4, 4 पे भी देख लो 4, 4 है, ठीक है? ये क्या है, ए है, ये बी है, यहाँ पे मिरर लगाया तो यहाँ पे क्या बनेगा, 4, 4 बनेगा। लेकिन होगा क्या, ये वाला ये यहाँ पे था तो इसका डिस्टेंस इमेज से, सॉरी मिरर से इतना था, तो ये क्या होगा, यहाँ पे चला जाएगा। देखो जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसका मिरर से और उसके इमेज का डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है, ठीक है? तो ये इतने डिस्टेंस पे है तो इसका इमेज भी इतने डिस्टेंस पे होगा, तो ये बी होगा, ये ए होगा। कहने का मतलब अभी भी वो 4, 4 ही बनने वाला है, इसलिए दोबारा हो रहा था, हमने एक ही बार लिखा। तो ये ए कॉमा बी, बी कॉमा ए दोनों रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और ए बी के भी बराबर है, मतलब ये जो रिलेशन है ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर आएगा, ठीक है? तो क्या करते हैं, क्या दो और एग्जांपल देख लेते हैं, ये टॉपिक उतना बड़ा नहीं है, ठीक है? कोई भी एक रिलेशन आ रहा है वो इस तरह से डिफाइंड है कि हमारे पास ए कॉमा बी, मान लो 1, 2 क्या कोई रिलेशन के अंदर आता है, और क्या 2, 3 भी किसी रिलेशन के अंदर आता है, तो क्या हो गया, ए कॉमा बी हो गया, बी कॉमा सी हो गया, बी कॉमा ए बनाना था, चलो 2, 1 कर लो, 2, 1 भी किसी एक रिलेशन के अंदर आता है, ठीक है? हमने 1, 2 लिया था, उसको मिरर के पास रखा तो क्या मिला हमको, 2, 1 मिला। तो क्या ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि ये देखो ए कॉमा बी, बी कॉमा ए के रिलेशन, बी कॉमा ए की कंडीशन को तो फुलफिल कर रहा है, लेकिन ए का वैल्यू बी के बराबर नहीं है, जिसकी वजह से ये जो रिलेशन बना है एंटी सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा, ठीक है? जैसे वही एक और रिलेशन देख लो, हमारे पास क्या है 3, 4 है, ए कॉमा बी हो गया, अब बी कॉमा ए बनाओगे तो 4, 3 कर सकते हो, और क्या कर सकते हो आप, 1, 1 कर सकते हो। 1, 1 क्या, ए कॉमा बी, बी कॉमा ए, और ए इक्वल टू बी दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है? तो देखो ये क्या एंटी सिमेट्रिक को बना देगा, लेकिन देखो ये क्या करेंगे, नहीं बना पाएंगे, इसलिए क्या कर सकते हो, ये भी एंटी सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है? तो ये बात हो गया इसके बारे में।